मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी, आज मैं बताऊंगा कि जो केवीएस पीआरटी है इसमें बीएड कैसे शामिल है, छत्तीसगढ़ में बीएड कैसे शामिल है, जो आप लोग का मध्य प्रदेश है उसमें बीएड कैसे शामिल है, और जो यूपी है उसमें बीएड कैसे शामिल है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 को, ये जो जजमेंट है ये कब से लागू होगा, ये पहले लागू होगा या बाद में लागू होंगे, मैं बोल रहा हूँ बाद में लागू होंगे, ये कैसे लागू होंगे, ये चीज को भी लेकर मैं बताने वाला हूँ। और इसके पहले मैं ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया था, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोनों को लेकर बात करने वाला हूँ, बीएड को भी लेकर और बीटीसी को भी लेकर। तो दोनों बच्चे ध्यान से सुनिएगा, दोनों जितने भी छात्र हैं ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा खास है। इसके पहले मैं ना ऐसा कभी वीडियो शेयर किया था, ना ऐसा सच्चाई कभी मैं आप लोगों के सामने रखा था। हकीकत सुनिएगा, हकीकत सुनिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे का दावा करना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों को सामने पता चली गए, और मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा। कैसे डीएलएड वालों को पागल बनाया जा रहा है, कैसे बीएड वालों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जबकि डीएलएड वालों को पता है कि बीएड शामिल होंगे, इनको सारा पता है। और दूसरा बात, बीएड वालों को यह बात पता नहीं है और डीएलएड वालों को यह बात पता नहीं है कि यह केस जानबूझकर बीएड वालों को हराए गए हैं। बीएड वाला केस हारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें पीआरटी से बाहर किया गया था बीएड वाले को, ये बीएड हारे नहीं थे, जानबूझकर हराया गया था। ये कैसे अब बीएड वाले उठे हैं तो अब सबका आंख खुल गया है, सारे डीएड वालों के, सारे जितने सचिव हैं डीएड वाला का, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है कि बीएड वाले अब शामिल हो जाएंगे प्राइमरी में 1-5 में। और उदाहरण मिल भी रहा है, छत्तीसगढ़ हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, बिहार में भी रिजल्ट रोका जा रहा है, रिजल्ट में डिले किए जा रहे हैं, और उनको पता है कि डीएड वाले झूठ का आवाज उठा रहे हैं। एनसीटी के गाइडलाइन में था, जो कि कोई गलत नहीं कर सकता है, और इनको यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है तब से प्रभावित होता है, जब उसका जजमेंट आता है उसके बाद प्रभावित होता है ना, उसी दिन से होते हैं, उसके बाद होते हैं, उससे पहले प्रभावित नहीं होते, ये अच्छे से पता है। फिर भी डीएड वाले बीएड वाले को परेशान करा रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दोनों का टाइम बर्बाद हो रहा है, दोनों का पैसा बर्बाद हो रहा है। और मैं गारंटी ठोक रहा हूं आज अपने चैनल के माध्यम से 100% श्योरिटी के साथ कि बीएड प्राइमरी में शामिल होंगे, 1-5 में शामिल होंगे, और ये मैं कह रहा हूं। और जो चीज मैं आज तक बोला हूं, चाहे जो भी केस के पीछे मैं लगा हूं, आज तक हारा नहीं हूं और सची हुआ है आज तक। और जो चीज मैं बोल रहा हूं सारा चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कोई भी बेहतर का बात नहीं करूंगा। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद यूपी में भी बीएड शामिल है, कैसे मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद गए बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में गए, कहां वाले, छत्तीसगढ़ वाले। सीधा उनका जवाब, उनका सवाल रखा गया कि जब इसके पहले से सारा चीज हो रहे थे, एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ रहा है, काउंसलिंग का टाइम आ गया, तो उसके बाद बीएड वालों के साथ अन्याय क्यों, जबकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया कि जो जैसा चल रहा वैसा ही चलेगा, काउंसलिंग होंगे, अब वो मैटर हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट उस पर निर्भर डिपेंड करेगा, हाईकोर्ट फैसला देगा। तो अब बच्चे लोग को लगा डीएड वालों को कि हाईकोर्ट का जो गेट ठकठकाएंगे तो हाईकोर्ट अपना गेट खोल देगा, पर गेट लगा दिया और भगा दिया। आज उदाहरण है, आज हाईकोर्ट का सुनवाया गया, और ऐसा भगाया गया कि डेट भी नहीं दिया गया, और राज्य सरकार तो पहले ही साइड कर दिया है, क्योंकि सच्चाई कड़वा होता है और सत्य में जयते, सत्य का हमेशा जीत होते हैं। जब बच्चा एनसीटी के गाइडलाइन को देखते हुए, बहुत सारी चीजें अभी मैं रख रहा हूं, और छत्तीसगढ़ वाले मैटर पे कोई डीएड वाले बात नहीं करेंगे, यूपी में मैं बात बता रहा हूं, यूपी का ही बात बता रहा हूं, इससे पहले थोड़ा सा ये बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल का ही बात करूंगा। जब राज्य सरकार ठुकरा दिया, और आपको पता है कि राज्य सरकार के पास बहुत अपना अधिकार होते हैं, बहुत पावर होते हैं, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का अलग साइड रख के विधायिका से अपना एक नियम निकालकर बीएड वालों को आराम से शामिल कर सकता है, क्योंकि छात्र के हित में, वुमेन के हित में, माइनॉरिटी के हित में नियम निकाल सकता है, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। बिहार में देख लें, दारूबंदी का जो मैटर था, नियम निकाला गया था, पालन किया गया, बहुत सारे ऐसे मैटर में बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे केंद्र में भी बहुत सारे मैटर हैं, SC ST Act है, उस पर भी देख सकते हैं आप। तो केंद्र को तो पता है कि ऑर्डिनेंस ला ही सकता है, नियम बना ही सकता है, पर राज्य सरकार के पास गया तो ठुकरा दिया गया, क्योंकि राज्य सरकार चाह रही है, और राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ वाले ध्यान से सुनिएगा, मैं गारंटी के साथ आज दावा ठोक रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में बीएड वाले शामिल है, उनका ज्वाइनिंग भी होगा, और जिस दिन कुछ दिक्कत होंगे तो मेरे को बताना आप, क्योंकि राज्य सरकार आपके पक्ष में, हाईकोर्ट आपके पक्ष में है, सच्चाई के साथ है। शिक्षा मंत्री के पास गए, वहां से भी भगा दिया गया उनको, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्यों भाई, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, बीएड वाले को परेशान कर रहे हो, कोर्ट में ये समय पैसा लगता है, एडवोकेट सब केस लड़ने में पैसा लगते हैं, क्यों फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो दूसरे को।
और ये जो तुम लोग को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आ गया था वो गलत फहमी में तुम लोग जी रहे हो। नहीं, ये केस जानबूझ कर हराया गया था बीएड वालों को। कुछ बीएड कैसे नमूने थे जो दुश्मन थे बीएड का, वो हरवा दिए केस को कुछ गलती के कारण हारा है। मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा, सच्चाई अगर रखूंगा तो बहुत बड़ा पोल खुल जाएंगे और उनसे सब दुश्मनी कर लेंगे, पर मैं ये नहीं चाहता हूं। और अभी मैं दावा कर रहा हूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई हुआ तो अगला बार बीएड के पक्ष में फैसला आ जाएंगे, क्योंकि इस बार नॉर्मल तरीके से नहीं केस लड़े जाएंगे, इस बार मजाक नहीं किए जा रहे हैं। पिछले बार जानबूझकर हराया गया था, कुछ दुश्मन थे सब बीएड वाले जो बीएड वालों के हित में आकर बीएड वालों के साथ दुश्मनी किए, विश्वासघात किया गया था उस टाइम। और जितने बीएड वाले साथी हैं, बहुत सारे चीजें जो भी कोर्ट का अपडेट रहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहा करें सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और सपोर्ट जरूर किया करें बीएड साथी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सबको पता चल गया है कि बीएड वाले शामिल हो रहे हैं। मेरे चैनल से जितने भी बीएड धारक साथी हैं, मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहा करें, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग जरूर जुड़े रहा करें, सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें सारे को, सारे को हकीकत पता चल सके। अब ये सब का क्या प्लानिंग चल रहा है, महा आंदोलन जो हो रहा है दिल्ली में, जो धरना होने वाला है, इससे कहीं ना कहीं सारे लोग घबरा गए, डर गए हैं, तो अब अलग अलग नियम निकाले जा रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो इससे जो है जो अब आंदोलन करने पर भी केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन डाल दिया गया है। मूर्खता वाला बात, ये सचिव बात करते हैं, सचिव जो है ना उनका डीएड को जो केस लड़ते हैं वो सब बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल नहीं बोलते हैं, जो केस लड़ रहे हैं वही वाला मूर्खता वाला बात करते हैं। और बोलते हैं कि जो राजस्थान का जो अपडेट आया था, जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था 25 नवंबर 2021 वाला, उस टाइम उस मतलब उस डेट से जो है लागू हो जाएंगे जजमेंट, और उसी टाइम से बीएड वाले जो है बाहर कर दिए गए हैं। इनको पता ही नहीं कि स्टेट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2023 में आया, गजब का बात करते हैं। और केवीएस पीआरटी का रिजल्ट पे भी रोक लगा दिया गया है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन डाल दिया गया है और इस पर रोक लगा दिया गया है, अभी केवीएस पीआरटी रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, और इस पर भी अलग से भी केस लगाए गए हैं, तो घबराएं नहीं, सारा चीज सामने आ जाएंगे। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश वाले में, चैलेंज ठोक रहे थे मध्य प्रदेश वाले में, 4 अक्टूबर का उसका डेट है, अगला सुनवाई है उसका, पिछला सुनवाई में भी बीएड वाले भारी पड़े थे और इस सुनवाई में भी बीएड वाले भारी पड़ रहे हैं, याद रखिएगा, मैं गारंटी करता हूं बीएड वाले शामिल होंगे। कुछ गलतियां थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में एक केस को हरा गया था, कुछ चंदा चोरों कुछ पैसा कमाने वाले से आ गए थे जिसके कारण इसे दिक्कत हो गए थे, तो उसका मतलब यह नहीं कि बीएड हार गए। क्या गलती है भाई, कहां न्याय किया बीएड वाला, आज तुम लोग का भाई पक्ष ज्यादा आ गया, तुम लोग का जो पहले कम थे तो नियम बनाकर रखा गया, और आज जब ज्यादा हो गए बीएड वाले तो बीएड वाले को बोल रहे हैं साइड हो जाए, तुम नियम को तो गलत नहीं कर सकते हो ना, नियम कैसे गलत हो जाएंगे भाई। हाँ जजमेंट आया, मैं मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का, मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तभी से प्रभावित होता है जब उसका जजमेंट आता है, तो 11 अगस्त से मैं इसका सम्मान करते हुए प्रभावित करने के लिए मैं बोलता हूं कि प्रभावित करें आप 11 अगस्त से करें, 11 अगस्त 2023 से, इसके पहले जितना भी नोटिफिकेशन आया है, जितना वैकेंसी आया है, जितना में एग्जाम हो गए सभी का नियुक्ति होंगे। और इसको लेकर कलकत्ता की तरफ से वेस्ट बंगाल वाले और राजस्थान में क्लेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। और जहां तक बात है यूपी का, तो यूपी में बहुत सारे बोल रहे हैं, शिक्षा मित्र वाले आ रहे हैं कि कट ऑफ ज्यादा होने के कारण कब का बात कब निकाला जा रहा है, अब बताया जा रहा है जब नियुक्त हो चुके हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, सारा चीज ज्वाइनिंग हो चुका है, तब बोल रहे हैं कट ऑफ ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके मुताबिक से बीएड वाले को तो बाहर कर देना चाहिए, अब सभी को आ रहे हैं, क्या लगता है कभी कभी नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ एक और सच्चाई रखना है। और बीएड वाले सोइएगा नहीं, अब आप लोग का टाइम आ चुका है, आप लोग जीतने वाले हैं, अगर अभी अगर पीछा हटते हैं, अगर हिम्मत नहीं लगाते हैं, तो समझ लीजिएगा बीएड वाले सारे पक्ष आपके, सारे चीज आपके पक्ष में आ रहे हैं, देख लेना जाके छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती जा रहे हैं, जबरदस्ती हाईकोर्ट में केस डाल रहे हैं, जबरदस्ती गेट लगाकर भगा दिए जा रहे हैं इनको, यहां तक बोला जा रहा है कि फालतू का टाइम बर्बाद कर दिए इतना देर भाष करके, हाईकोर्ट में डेट मांगा गया, डेट तक नहीं दिया गया, सारे पक्ष में हैं आपके। आपको लगता होगा बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे चैनल पे कि बीएड वालों को अब बता रहे हैं ऐसा नहीं होगा, बीएड शामिल नहीं होंगे, हो तो रहा है छत्तीसगढ़ में जाकर रोक लो, यूपी में तो शामिल हो चुके हैं, शिक्षा मित्र वाले गए हैं और डीएलएड वाले गए हैं 11 तारीख का जजमेंट, अरे 11 तारीख का जजमेंट प्रभावित कब से होता है,
कभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बैठकर शांति से बात कर लीजिएगा, मैं किया हूं, पता चल जाएंगे सारा चीज आपको। और जहां तक बात है यूपी वाले में भी, यूपी में बीएड शामिल थे और हमेशा रहेंगे, शिक्षा मित्र वाले जाए चाहे तो डीएड वाले जाए, फालतू का अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, डीएड वालों से पैसा खींचा जा रहा है, फालतू का आप लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों दुश्मनी कर रहे हो, तुम लोग अपना काम कर रहे हो, बीएड वाले अपना काम कर रहे हैं, दोनों का पैसा बर्बाद हो रहा है, दोनों का टाइम बर्बाद हो रहा है, भर्ती फंस जाएंगे हर एक जगह, जहां जहां भर्ती आए हैं भर्ती फंसा दिए जाएंगे, याद रखिएगा। और ये जहां मामला चलते रहा तो ये 5 साल 6 साल तक लगातार मामला चलते रह जाएंगे, तो इससे अच्छा डीएड वाले मत आए बीच में, आप लोग अपना काम करें। आपको लगता होगा कि जहां जहां वैकेंसी आएगा सारे पे कब्जा कर लेंगे, नहीं, आप लोग को उतना ही वैकेंसी मिलेगा, बहुत सारे चीजें हैं, मैं इतना तो नहीं बोलूंगा, पर बीएड वाले सारे पक्ष में आपका, उठिए और आवाज उठाइए अपना। और मैं बहुत सारे को देख रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आंदोलन होने वाला है उसको दबाने का कोशिश किए जा रहे हैं, भटकाने का कोशिश किए जा रहे हैं, डीएड वाले की तरफ से बोले जा रहे हैं कि आंदोलन का कोई फायदा नहीं है, रिव्यू पिटीशन डाला गया है तो केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं ला सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं, क्यों मूर्ख जैसा बात करते हैं आप, बहुत एग्जाम्पल है। रिव्यू पिटीशन से वेस्ट बंगाल का भी डाला गया है, राजस्थान का भी डाला गया है, यूपी का भी डाला गया है, बहुत सारे का रिव्यू पिटीशन डाला गया है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन भी डाला जाएगा, और केबीएस वाले के तो बीएड में शामिल होकर ही रहेगा, याद रखिएगा, मेरा दावा है ऑल ओवर इंडिया में बीएड शामिल होंगे। जो बोलते हैं आंदोलन को रोकने का साजिश चल रहा है वो मत रुकने दीजिएगा, ठीक है। और जागिए बीएड वाले, आइए, जब आप देख रहे हैं सारा चीज आपके सामने हो रहे हैं, बीएड वाले को शामिल भी किया जा रहा है, थोड़ा सा बस एक स्टेप बढ़कर आपको आवाज उठाना है। और भारी मात्रा में जितने बीएड धारक हैं, मेरे जितने साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़िएगा। मैं सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के लिए बोलता हूं, लाइक करने के लिए बोलता हूं, शेयर करने के लिए बोलता हूं, इसका ये मायने नहीं होते हैं कि मुझे व्यूज चाहिए, अरे नहीं भाई, 3.5 करोड़ को न्याय मिलना चाहिए, वो मैं न्याय चाहता हूं, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? अरे जानबूझकर आप लोगों को केस हराया गया था, क्यों आप लोग भुला रहे हैं? बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट केस में नहीं आ रहे, जानबूझकर हराया गया था। मैं हूं लड़ने के लिए तैयार, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, मैं केस भी फाइल कर रहा हूं और प्रोटेस्ट भी कर रहा हूं, आंदोलन भी दिल्ली में कर रहा हूं, सारा चीज कर रहा हूं भाई, हम लोग हैं साथ में। ये केस जानबूझकर हराया गया था, भुलाइए मत आप लोग, और हम लोग जीतेंगे इस बार, सही तरीके से लड़े जाएंगे, ठीक है। और जितने भी धारक है भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इतना ज्यादा सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट करें कि डीएड वाले को अपना औकात पता चल जाए, इतना लाइक करें वीडियो को, इतना ज्यादा शेयर करें कि डीएड वाले को औकात चल जाए कि अभी शेर अभी जिंदा है, 3.5 करोड़ साथी अभी आ चुके हैं, उनको पता चलना चाहिए लाइक और शेयर से और सब्सक्राइब से, कि दोबारा ये गलती ना करे, केस ना करे, बार बार ये बरसान किए जा रहे हैं बीएड वाले को, पैसा बर्बाद हो रहा है दोनों तरफ से। तो सारे मेरे साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, भारी मात्रा में सपोर्ट करिएगा, वीडियो को सारी जगह शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ सच्चाई में रखा हूं, ठीक है, वीडियो को सारी जगह शेयर करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, जो भी कोर्ट का अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का अपडेट होगा वो भी मैं शेयर करूंगा, जो आंदोलन होगा उसका भी मैं सारा चीज शेयर करूंगा, हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जो सच्चाई है सच्चाई मैं रखूंगा हमेशा। तब तक के लिए धन्यवाद।